मंजर बहुत हैं दीद के काबिल यहाँ जलील, तू भी जुनू को अपना तमाशा बना के देख। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने तमाम सामेईन के लिए एक बहुत दिलचस्प और सबक आमेज़ मिसाल देना चाहूँगा। यकीनन अगर हम उस मिसाल को समझें और नज़र आमीक से उसको जो है देखें, गौर करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा सबक हमको हासिल हो सकता है। एक काफ़िला था जो अंधेरी सुरंग से गुज़र रहा था। जब वो लोग गुज़र रहे थे तो कुछ वक्त चलने के बाद उन लोगों को अपने कदमों में कोई चीज़ चुभना शुरू हुई। उन लोगों ने ख्याल किया कि शायद के कंकरियाँ हैं, लिहाजा हम इनको उठा लेते हैं। तो यूँ हुआ कि कुछ लोगों ने कंकरियाँ उठाई, अपनी जेब में रख ली। कुछ लोगों ने बहुत कंकरियाँ उठाई, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत उठाई, और कुछ अहबाब ऐसे भी थे कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं उठाया। अब जिस वक्त में वो लोग उस गुफा से बाहर निकले तो उन लोगों ने देखा कि जो कंकरियाँ उन लोगों ने उठाई थी, दरअसल वो हीरे थे, कंकरियाँ नहीं थी। अल्लाहू अकबर। वो लोग ही देखकर हैरान रहे कि भई ये क्या मामला हुआ। अब जिन लोगों ने बहुत कंकरियाँ उठाई थी वो बड़े खुश हुए कि बहुत से हीरे उनके पास में आ गए थे और वो मालदार हो गए थे। कुछ लोग जिन्होंने थोड़ी बहुत उठाई थी वो इस ख्याल में रहे कि काश थोड़ी बहुत और उठा लेते, ज़्यादा माल हमारे पास भी जमा हो जाता। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी नहीं उठाया, वो बस दस्ते अफसोस मल रहे थे और अपने ऊपर नदामत व खजालत कर रहे थे, शर्मिंदगी थी उनको अपने ऊपर। अजीज़ व आप इस मिसाल से ये समझिएगा कि अभी मैं और आप दुनिया में हैं, मुस्तकिल मैं और आप एक गुफा के अंदर हैं, हालत इम्तिहान में हैं। हमारे पास में अभी खूब मौका है, हम खूब हीरे चुन सकते हैं। लिहाजा जिससे जितना हो सके आप हीरे चुन लीजिए, चुन लीजिए। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। मैं आप हज़रात को एक ट्रिक बतलाता हूँ कि किस तरह आप बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा सवाब जनरेट कर सकते हैं। हमारे हज़रत पीर मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया एक तरीक़ा बतलाते हैं कि किस तरह आप कम वक्त में बहुत ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि इस उम्मत के साथ में अल्लाह का एक ख़ास मामला ये हुआ कि इस उम्मत को एक नेकी के बदले 10 नेकी मिलती हैं। आपने एक नेकी का काम किया तो उसका सवाब आपको 10 गुना ज़्यादा मिलता है। लिहाजा आप एक काम कीजिए, दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, जो आए हैं या जो जा चुके हैं, सब के लिए आप मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अगर आप सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, सब के साथ में आप एक नेकी का मामला करेंगे, अब जितने भी लोग दुनिया में आए होंगे आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कितनी उनकी तादाद होगी। सब के साथ में आपने नेकी का मामला किया, नेकी की, तो उसके बदले आपको 10 गुना नेकियां मिलेंगी। अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी दुआ अगर आप इस तरह भी कहें कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की और तमाम मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा, तो आप ज़रा ख्याल तो करो अजीज़ो कितना सवाब एक लम्हे में आप कमा सकते हैं। इसलिए अजीज़ो अभी जब तक सांसें हैं ना, सांसों की डोर हमारे पास में है, सवाब का और इताब का तमाम मदार हमारे साथ में लगा हुआ है। इसलिए खूब नेकियां कमाइए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने तमाम आमाल को पेश करते रहिए, और साथ में आप ये भी यकीन रखिए कि अल्लाह इंशाअल्लाह हमारे तमाम आमाल को कबूल फरमाएगा। ख़ास तौर पर आप मुझ फ़कीर को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आप हजरात को कुरान करीम की एक दुआ तलकिन करता हूँ, रब्बिग़फ़िरली वली वालिदय्या वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब।